हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। गाइस, कि आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। में करना क्या गाइस, पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना। पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करने के बाद करना क्या है मैं बता दे, तो यहाँ से चल जाना पहले हम लोग को प्लस वाले सेक्शन पे एडिट फोटो पे और बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप में। तो मैं कर लेता हूँ फटाक से, जो कि ये बैकग्राउंड फोन को मैं रोटेट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद करना क्या है, बैकग्राउंड में पीएनजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर इजिली डाउनलोड कर सकते हो मेरे वेबसाइट से। अगर नहीं कर पा रहे तो गाइस करना क्या है, मैंने इसकी भी ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करके वो वीडियो को वॉच कर ले, आपके लिए हेल्पफुल होगा बैकग्राउंड पीएनजी डाउनलोड करने में वन क्लिक में मेरे वेबसाइट से। एक बार सीख लेना गाइस, आपके लिए ही हेल्पफुल है। इसके बाद करना क्या है हम लोग को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलना गाइस। मैं इसी तरह का बैकग्राउंड पीएनजी वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, आपको कोई भी फोटो एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है तो मैं व्हाट्सएप से बात करता रहता हूँ। इस तरह से करने के बाद करना क्या, पहले चल जाना टूल्स पे, एडजस्ट पे, बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम लोग को एडजस्ट करना होगा। तो करना क्या है, हम लोग को हल्का सा बैकग्राउंड का ब्राइटनेस को कम कर लेना है और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस कर लेना है, क्लैरिटी को ही हल्का सा बढ़ा के सेचुरेशन डाउन करके यहाँ से डन कर लेना। देख सकते हो हल्का सा हम लोग पहले से थोड़ा सा रिटचिंग कर लिया है बैकग्राउंड को। आप करना क्या, स्क्रॉल अप करके चले जाए, पहले चल जाना हम लोग को ऐड फोटो पे और हम लोग को एक लाइट का पीएनजी मिल जाएगा जो कि ये रहेगा। इसको करना क्या है, हम लोग को पहले तो स्क्रॉल अप करके चले जाना हम लोग को ब्लेंड में और यहाँ से ओवरले सेलेक्ट करके रख लेना है और ये आइस के ऊपर हम लोग कुछ इस तरह से अप्लाई करके लगा लेना है। करना क्या है, इरेजर के ऊपर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है और उसको कुछ इस पार्ट पर अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना। करना क्या, हम लोग यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। देख सकते हो क्या ही मस्त लग रहा है। अब करना क्या, पहले तो हम लोग को चल जाना फिर से ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ से एक पीएनजी को ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा और इसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है अच्छे से, मैं देख लेता हूँ, और कुछ इस तरह से हम लोग को अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। इस तरह से प्लेस करने के बाद करना क्या है, हम लोग को चल जाना फिर से स्क्रीन पर ग्रिप टैप करके ऐड फोटो पे और यहाँ से अपने मॉडल के फोटो को ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा और इसको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। इस तरह से जूम कर लेना है। अब करना क्या, हम लोग को चल जाना पहले शैडो वाले आइकन पे, शैडो क्रिएट कर लेना कुछ इस तरह से, पोजीशन में जाके अच्छे से पोजीशन को सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हो अब करना क्या, आपने मॉडल के फोटो पे क्लिक करके यहाँ से इरेजर के ऊपर वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, डुप्लीकेट कर लेना है फोटो को, यहाँ से फ्लिप एंड रोटर में जाकर डाउन कर लेना है फोटो को, कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। अब करना क्या, हम लोग को यहाँ से कुछ इस तरह से मैं अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेता हूँ। अब यहाँ से हम लोग को मूव डाउन कर लेना है। अब यहाँ से हम लोग को करना क्या, ध्यान से देखें, यहाँ से तो पहले हम लोग चल जाना इफेक्ट वाले टूल पे, इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से चल जाना कलर वाले में, ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करके और एक बार क्लिक करके अमाउंट को जीरो कर लेना है, यहाँ से डन, और यहाँ से हल्का सा ऑपसिटी को कम कर लेना है। देख सकते हो उनका शेडो क्रिएट हो गया है। अब करना क्या, हम लोग को पहले तो चल जाना है मॉडल वाले फोटो पे क्लिक करके, उसके बाद हम लोग को यहाँ से चल जाना है एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और कुछ जस्ट इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अब करना क्या, हम लोग को इफेक्ट पे चल जाना है, कलर पे चल जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट को सिलेक्ट करके फुल्ली व्हाइट कर लेना है, मैं देख लेता हूँ, नहीं हम लोग को ह्यू को प्लस कर लेना है, सॉरी गाइस ह्यू को नहीं, ह्यू को बगल वाले में सिलेक्ट करके यहाँ से ह्यू को येलो रख लेना है, तो मैं देख लेता हूँ जो कि कुछ ये रहेगा, यहाँ से डन कर लेना है। अब करना क्या, हम लोग को इरेजर पे जाके इन्वर्ट कर लेना है, रिस्टोर पे जाके हम लोग को हार्डनेस कम करके साइज अपने हिसाब से रख लेना है और कुछ इस पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। इससे होगा क्या गाइस, हम लोग का रिम लाइट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा डन करके बैक हो जाना है, ऑपसिटी को हल्का फुल्का कम कर लेना है और यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। देख सकते हो क्या ही ऑसम लग रहा है फोटो हम लोग का। अब करना क्या है, पहले तो चल जाना हम लोग को ऐड फोटो पे और एक हम लोग को विग्नेट का पीएनजी को ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा। अब करना क्या, इसको को कुछ इस तरह से हम लोग को फुल स्क्रीन करके इस साइड पर लगा लेना, यहाँ से हम लोग को हल्का सा ऑपसिटी कम करके यहाँ से डन कर लेना। देख सकते हो क्या बॉम लग रहा है। करना क्या, फिर से चल जाना ऐड फोटो पे, एक टेक्स्ट पीएनजी मिल जाएगा उसको भी ऐड कर लेना जो कि ये रहेगा। अब करना क्या, हम लोग को यहाँ से चल जाना है ब्लेंड में, आप चाहते हो इसको स्क्रीन पर रख सकते हो, स्क्रीन ही रखना और कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना। देख सकते हो गाइस क्या ही मस्त रिजल्ट आया है हम लोग का फोटो का। थोड़ा सा रिटचिंग करने के लिए करना क्या होगा, पहले तो हम लोग को इसको डाउन करके चल जाना इफेक्ट पे, सैंपल पे, यहाँ से सबसे लास्ट ड्रैग करके चल जाना हमको सैचुरेशन वाले में। सैचुरेशन में जैसे क्लिक करोगे गाइस ऑटोमेटिक हम लोग का फोटो रिटच हो जाएगा, यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। टूल्स पर चल जाना है, एडजस्ट पर चल जाना है, हल्का सा ब्राइटनेस अपने हिसाब से बढ़ा लेना है, कॉन्ट्रास्ट को, क्लैरिटी को,
सेचुरेशन को हल्का सा डाउन कर लेना आप चाहो तो मैं कर लेता हूँ। हाइलाइट्स को भी हल्का सा डाउन कर लेता हूँ, शेडो को हल्का सा डाउन कर लेता हूँ, और यहाँ से टेम्परेचर को हल्का सा येलो टोन में रख के यहाँ से डन कर लेता हूँ। देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है फोटो। फोटो को सेव करने के लिए आप करना क्या होगा, पहले तो हम लोग को स्क्रॉल अप करके चल देना डॉट टूल वाले सेक्शन पे, यहाँ थ्री डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करके हम लोग को सेव इमेज कर लेना है। फोटो सेव हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो का कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे रख देना डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस। परफेक्ट।